मम्मी से मिलने और कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसी है माय टू फैमिली? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। तो आज हम लोग निकल गए हैं घूमने के लिए, क्योंकि हम पूरी फैमिली है, सब जा रहे हैं घूमने के लिए। तो कहाँ जा रहे हैं ऐशी? हम लोग जा रहे हैं चिकुवाड़ी झूला, वो जो झूला गार्डन जो है ना वहाँ पे जा रहे हैं, जो आपने पहले भी ब्लॉग में देखा होगा। मैंने सलाम किया, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे आप सब लोग? तो बस हम लोग वही निकल गए फटाफट घर में गए, मम्मी लोग सब लोग वहीं हैं ढानू में मेरी सिस्टर के उधर, तो वहीं से जाके पूरी फैमिली को हम लोग लेंगे। मेरी आज दोनों बहनों की फैमिली आएगी और एक गाड़ी आ रही है, इसमें पापा है और हम लोग पूरी फैमिली आज जाने वाली है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिए, तो चलिए चलते हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे हम लोग। और हम ये देखिए धानू के रास्ते से जा रहे हैं, बारिश थोड़ी सी रुकी हुई है, लेकिन आप लोगों को दिखाती हूँ धानू का रास्ता, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है। दोनों तरफ से इस तरीके से जो पेड़ है ना, एक दूसरे से मिले रहते हैं ना, और हाँ तो देखिए कितनी ग्रीनरी है और कितना अच्छा लग रहा है। और हम लोग अभी पहुँचने ही वाले हैं, तो यहाँ पे जो है ना सब देखिए फिश जो है ना बोर्ड, देखिए यहाँ पे सब फिश आती है, ये सब बोर्ड है यहाँ पे। और यहाँ पे जो फिश, मैं जैसा कि हमेशा आती हूँ धानू में फिश लेने के लिए, तो बारिश की वजह से है ना यहाँ पे जो ये जो ब्रिज दिख रहा है ना, तो यहाँ पे सब सुखाते हैं फिश, जैसा वो बोम्बिल हो गया, सूखा झींगा हो गया ना, वो सब सुखाते हैं, बट बारिश की वजह से नहीं सुखा रहे। तो ये देखिए यहाँ पे आजू बाजू में सुखाया जाता है, ये पूरा गाँव है नीचे धानू का, क्या पता आपको दिख रहा है, ये तो सब पेड़ वेड़ आ गया है सब, इसके नीचे जो है ना पूरा गांव है। और यहाँ पे भी आएगी धानू की दरगाह भी आएगी, यहाँ से दिखेगी, यहाँ से धानू की दरगाह आएगी ना। हाँ अभी आएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ तो दरगाह नहीं दिखा पाए क्योंकि इतना जो झाड़ जो है ना वो सब ट्री बारिश की वजह से इतना उग गया है कि पीछे जो दरगाह है वो दिखी नहीं, तो बहुत खूबसूरत दरगाह है, वो मैं आप लोग को दिखाते हुए चलती। तो चलिए अभी हम लोग धानू की तरफ आ चुके हैं और अभी अपने मंजिल पे जाते हैं, अपनी ननन के घर जाएंगे अभी। बड़े दिनों के बाद मैं मम्मी से मिली हूँ और मम्मी के लिए आजी हूँ, वही आपकी सब बातें याद आ रही थी, हम लोग हंसते भर बोलते हुए आते हंसते हुए आ रहे थे, आपको मिस करते हुए आ रही थी आपकी बहू। और फिर हम बैठ गए खाना खाने के लिए, कि आंटी ने बनाए थे वाल की सब्जी और हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हम बैठ गए खाने के लिए। और यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को ये जो बीच है वो दिखाते हुए चल रही हूँ, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बोट रखी है ना, ये सब फिश के लिए जाती है, और फिश बहुत अच्छी ताज़ी यहाँ पे धानू में आती है, तो यहाँ पे मैं हमेशा अक्सर करके आती हूँ फिश लेने के लिए। और देखिए कितनी फ्रेश एयर है यहाँ पे, हम लोग ज़्यादा करके यहाँ आते हैं एयर लेने के लिए। अभी यहाँ पे हम आ चुके हैं चिकू गार्डन, और यहाँ पे देखिए बहुत खाली खाली है, क्योंकि हम वीकडे पे आए थे इसलिए इतना खाली खाली था, वीकेंड पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहती है। तो चलिए अभी हम जाते हैं जहाँ पे वाटर पार्क है, उस तरफ हम बढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा ही इंजॉय किया, सब बच्चे आए थे, सब बच्चों ने ज़्यादा करके इंजॉय किया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं और इसी यहाँ पे, और हम लोग सब लोग ने आइसक्रीम, सबसे पहले आइसक्रीम खाया, क्योंकि यहाँ की आइसक्रीम कुल्फ़ी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। तो सब मस्ती कर रहे थे और सब लोग ने बहुत ज़्यादा ही इंजॉय किया। और कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मज़ा आ रही है, हमने आपको मज़ा आई, बहुत अच्छा। और ये वाटर पार्क में देखिए जिस तरह से बकेट भर के जो गिरती है ना, तो सबके ऊपर गिरती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और देखिए यहाँ पे चीकू की जो ट्री है उस पर देखिए कितने सारे चीकू जो है, मैं आप लोगों को दिखा रही, पूरे भर के माशाल्लाह से आए हैं, बट ये बहुत छोटे छोटे कच्चे चीकू थे अभी, ये जैसा खाने जैसे नहीं थे, तो अभी ये पकने में टाइम लेंगे। बहुत सारे इन्जॉय करने के बाद हम सब थक गए थे, फिर यहाँ पे आके हमने देखिए नाश्ता करना शुरू कर दिया, पाव भाजी जो जो जिनको जो जो चीज़ चाहिए था सब खाए, किसी ने चाय पिया, किसी ने पानी पूरी खाया, तो बहुत ज़्यादा ही इन्जॉय किया खाने में भी हम लोग ने। और यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता और खाना वाना जो भी था सब एक साथ कर लिया है, और अब निकलने की बारी है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा मौसम लग रहा है। तो चलिए अभी यहाँ से हम निकलने की कोशिश में, इसी को देखिए यहाँ पर पप्पा ना इसी लोग सब झूले में बैठ के झूल रहे हैं, अच्छी अच्छी हवा ले रहे हैं। मम्मी और मज़ा आई आज, इंजॉय किए, अभी चलिए अभी हम लोग निकलना है हम लोगों को यहाँ से, तो बहुत मज़ा आई, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही ज़्यादा
इंजॉय कर लिया हम लोग। चिकुवाड़ी है जिसे कहते हैं, जब पे आए थे हम लोग, तो आप लोगों को एक एक चीज जो है मैंने बताया है। हाँ तो बस हम लोग अभी निकल चुके हैं, कौन सा झूला गार्डन था, क्या था वो झूला गार्डन में से जो भी है चिकुवाड़ी, वहाँ से हम लोग खा पी के घूम फिर के एंजॉय करके निकल चुके हैं। सब पूरी फैमिली आई थी, इसलिए आप लोग को ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं क्योंकि वो व्लॉग में आते हैं नहीं, तो इसलिए मैंने वहाँ ज़्यादा कुछ व्लॉग बनाया नहीं। और बस अच्छी हवा खाते करते, ये बीच है सामने तो यहाँ पे अच्छी हवा चल रही है, बस तो हवा खाते करते निकल रहे हैं। तो अभी देखते हैं, अभी जाएंगे बैंगलोर पे, फिर वहाँ खाना वाना खा के निकलेंगे, फिर आगे जो भी होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब हम यहाँ पे आ गए थे, आंटी ने बनाई थी रोहू फिश और इतनी टेस्टी थी ना, मेरा तो दिल बहुत खुश हो गया, तो थैंक यू आंटी। तो नेक्स्ट डे हो गया है और मैं धानू से आ चुकी थी, तो मैं आते आते रास्ते में है ना मैंने देखा कि जो अरवी का पत्ता होता है ना, जिससे पत्रोला बनता है और जिसे आलू वड़ी कहते हैं, आलू वड़ी का पत्ता, वो मुझे नज़र आ गया, तो वो मैंने ले लिया और सोचा कि चलिए क्यों ना हम उससे बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ पत्रोला, जिसे पत्रोला रिकवच हमारे यूपी में रिकवच कहते हैं उसे, और यहाँ पे आलू वड़ी और पत्रोला के नाम से जाना जाता है। तो चलिए मैंने उसे अच्छे से अभी क्लीन करना है, पत्ते मुझे बहुत अच्छे रेट में मिल गए और मेरा दिल बहुत कर रहा था, और मैं ये फर्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ क्योंकि हमेशा मम्मी ने ही बनाया है मेरी, तो मम्मी के स्टाइल में बनाने जा रही हूँ दाल वाला, मैं बेसन वाला नहीं बनाने जा रही हूँ, और मैं इसे मीठा भी नहीं रखूँगी, इसमें गुड़ या कोई दूसरी चीज़ नहीं डालूंगी, इसके अंदर मैं डालूंगी चटपटी, अच्छा तीखा और चटपटा मैं डाल के रेडी करूँगी। तो चलिए हम पहले पत्तों को क्लीन कर लेते हैं। तो देखिए मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे पत्ते जो है मिल गए थे। अब जो इसकी डंठल है ना, मैंने क्या किया है, डंठल के साथ में जो ऊपर हल्का सा डंठल कड़क रहता है ना, उसे भी हल्के हल्के से निकालना है, ज़्यादा ऐसे खींच के नहीं निकालना, नहीं तो पत्ते जो है हमारे वो टूट जाते हैं, फट जाते हैं बीच में से। तो अभी देखिए इसे अच्छे से मैंने निकाल लिया है, और ये कम से कम 30-32 पत्ते थे जो मेरे पास में थे, तो मैंने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, जितनी भी मिट्टी और गंदगी रहती है वो अच्छे से इसे वॉश करके एक साइड में रख लीजिए, इसका पानी जो है पूरी अच्छी तरह से पानी को सुखा लीजिए। तो देखिए मैंने स्ट्रेनर में ही रखा है इसे, ताकि पानी जो है इसका निकलता रहे, फैन मैंने फास्ट कर लिया है, और एक अच्छे साफ कपड़े से मैं इसे पोंछती जा रही हूँ और एक साइड में रखती जा रही हूँ। तो ये थोड़ा सा काम रहता है, लेकिन जब बन के रेडी होता है तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अभी यहाँ पे देखिए मैंने दालों को भिगा लिया है, तो इसमें जो दाल गई है वो चना है और उड़द की दाल है। तो ये जो कप दिखा रही हूँ ना, तो इससे मैंने एक कप चना लिया है और एक कप उड़द की दाल लिया है, और इसमें दो चम्मच जो हम छोटा चम्मच जिससे खाते हैं वो भर के दो चम्मच मैंने चावल डाल दिया था और भिगा दिया था इसे 8 घंटे के लिए। अभी यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है एक पूरा अक्खा लहसुन, जिसका मैंने छिलका नहीं निकाला है, पतला छिलका था, और यहाँ पे ले लिया है कुछ तीखी मिर्ची, जितना आपको टेस्ट के लिए चाहिए वो ले लीजिए, और मैं आपको खटाई भी दिखा रही थी, तो वो खटाई जो दो है मैंने जब दाल भिगाया था ना उसके साथ में, देखिए ये खटाई को भी मैंने भिगा लिया था। अभी ये खटाई जो अच्छी सॉफ्ट हो गई है, तो इसका जितना भी गूदा है वो निकाल लीजिए और मिक्सी में डाल दीजिए, और यहाँ पे देखिए लहसुन और जो मिर्ची है, और इसमें थोड़ा सा जीरा डाल के इसे अच्छे से बारीक पेस्ट बना लीजिए। अब यहाँ पे जो दालों को हम पीस लेंगे, तो दालों को हमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं रखना है, ऐसा रखना है गाढ़ेपन में ही रखना है, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा पीसना नहीं है, हल्का सा दरदरापन रहना चाहिए दालों में, ताकि इससे ना एक अच्छा क्रिस्पी बनके तैयार होगा, और इसमें चावल भी है तो उसका रिजल्ट तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए, और अभी इसमें पानी नहीं डालना है, बहुत ही अच्छे से मिक्सी जार को पोंछ पाछ के इसमें डाल देना है। अभी यहाँ पे देखिए मैंने एक चम्मच पूरा भर के इसमें हींग डाला है, ताकि हींग की क्वांटिटी अच्छी ज़्यादा जाएगी, दाल है ना तो दाल में अच्छी खासी जानी चाहिए, और 1/2 टीस्पून भर के मैंने इसमें हल्दी डाल दिया है, और यहाँ नमक डाला, तो नमक जो है वो मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने चलिए इसमें भरनी में जो अपने नमक को भर लिया है, और चटनी मैं पहले थोड़ी डाल के देखूंगी, क्योंकि जो हमारी खटाई थी ना वो भी बहुत खट्टी थी, और जो मिर्ची भी डाला था मैंने, मैंने सोचा कि ज़्यादा तीखा ना हो जाए, तो फर्स्ट टाइम बना रही थी तो थोड़ा बहुत संभल संभल के बना रही थी, तो मैंने फिर से थोड़ी सी चटनी और डाला, बट लास्ट तक मैंने सारी चटनी डाल दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि ये जो जाएगा सब डाले इसके अंदर, और जब बनके रेडी होगा तो चटपटी लगनी चाहिए, थोड़ा सा नमक कम लग रहा था वो भी डाल दिया। अभी इसे बहुत अच्छे से मिला रही हूँ मैं, तो जो थोड़ी बहुत भी चटनी थी ना वो भी मैंने डाल के इसे फिनिश कर दिया, और सारी जितनी भी चीज़ें वहाँ से हटा ली है, किचन जो है मैं क्लीन रखती रहती हूँ। अभी एक टोप में देखिए मैंने पानी चढ़ा लिया है, तो मेरे पास स्टील का इतना बड़ा टोप नहीं था, तो मैंने ये एल्युमिनियम का टोप लिया है, उसमें
उसमें पानी डाल के और उसके जो खटाई की जो बीज कड़क वाली जो बीज थी वो डाल दिया, ताकि उसमें कभी भी ऐसे जो एल्युमिनियम का हम बर्तन यूज़ करते हैं ना और पानी बॉईल करते हैं, तो कोई भी खट्टी चीज़ अगर आप डालोगे तो उससे बर्तन हमारे काले नहीं पड़ेंगे, तो हमारा वेस्ट नहीं हुआ, वो फेंकने में नहीं गया, मुझे यूज़ में आ गया। अभी यहाँ पे देखिए मैं एक बड़ा पत्ता एक छोटा पत्ता ऐसा रख के इस पे हल्की हल्की दाल लगा रही हूँ, और मेरी मम्मी अगर देख रहे होंगे ये वीडियो तो वो ज़रूर मुझे कॉल करके बोलेंगे कि मैं कहाँ गलती कर रही थी, कहाँ पे क्या सही कर रही थी। बट मुझे तो ऐसा लग रहा था, फर्स्ट टाइम है तो मैं ज़ाहरी बात है मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सही जा रही हूँ। तो माशाल्लाह से मम्मी से मैंने कुछ दिन पहले पूछा था इस बारे में, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं बना के रेडी कर लेती हूँ, और मम्मी ने बताया था तो मुझे हल्का हल्का याद था, मैंने अपने तरीके से बनाया है। तो मैंने सात सात पत्ता है ना जो इसमें ऐड किया है, और बहुत अच्छे से इसे फोल्ड करने में ये बहुत अच्छा इसका जो लेयर होता है ना वो बन के रेडी होता है। तो चलिए अभी मैंने देखिए अच्छे से दाल लगा, दाल ज़्यादा भरनी नहीं है हमें, नहीं तो कैसा होगा जब हम लपेटेंगे ना तो दाल जो है बाहर आनी शुरू होगी। अब यहाँ पे देखिए जो दाल थोड़ी थोड़ी बाहर आ रही है ना, मैं बाजू बाजू में पत्तों में लगाती जा रही हूँ, और अच्छे टाइट पकड़ के हमें इसे फोल्ड करना है, ताकि जो हमारा जो पत्ता है ना वो मतलब अच्छे से टाइट ऐसा ढीला ढीला ना रहे, और जो चिकना जो है ना चिकना ग्रीन वाला जो पार्ट है वो नीचे की तरफ रहना चाहिए, और खुदड़ा जो पार्ट है वो अंदर की तरफ जाना चाहिए। तो देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से इसे अच्छे से दालों से चिपका लिया है, ताकि पत्ते कहीं से भी ना निकले। अभी सेकंड भी बैच में बना लूंगी, तो इसी तरीके से सारे पत्रोले मैं बना के तैयार कर लूंगी। अभी एक स्ट्रेनर में मैंने अच्छे से तेल लगा लिया है और हल्का सा ग्रीस कर लिया है तेल को, और यहाँ पे तीन तीन ही जो है इसमें आएगा, और मैं तीनों भी इसमें रख के बना लूंगी। और यहाँ पे देखिए बहुत ही 10 से 15 मिनट के अंदर मेरा ये पत्ता बन के रेडी हो गया पत्रोला। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे निकाल रही हूँ, तो थोड़ा गर्म था तो मैंने चम्मच से निकाला, मैंने थोड़ा सा इसे फास्ट कर दिया है ताकि वीडियो बहुत लंबी जा रही थी। तो चलिए अभी मैंने इसमें भी थोड़ा सा तेल लगा के दूसरे जो पत्रोला उसे भी चढ़ा लिया, अभी इसे अच्छे से हम कट कर लेंगे। और मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने बनाया है, क्योंकि मम्मी हमेशा कहते रहते थे सीख लो, बट मैं इस चीज़ में आती नहीं थी। अब यहाँ पे लोहे का जो तावा है ना वो मैंने चढ़ा लिया, इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल में आप इसे फ्राई करके देखिए ना, तो इसका जो टेस्ट है दुगना हो जाएगा, चार चांद लग जाएगा। और इसे सरसों के तेल में ही फ्राई किया जाता है हमारे यूपी में। अब यहाँ पे शायद मुझे लगता है कि शायद से नहीं किया जाता होगा, लेकिन हमारे यूपी में ज़रूर किया जाता है इसे। तो जो यूपी वाले हैं वो देख रहे होंगे तो ज़रूर बताइए कि इसे किस में फ्राई किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो हल्का हल्का जब लाल हुआ है, और तो मैंने इसे पलट लिया है, सच बोल रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बन के रेडी हुआ था। हाँ तो इतना बेहतरीन बना है ना, मैं क्या बोलूँ, फर्स्ट टाइम मैंने बनाया है और बहुत ही बेहतरीन बना है, और इतना चटपटा बना है ना। तो चलिए मैंने तो एक खा के देखा है, मैं आप लोगों को बताती हूँ खा के। आवाज़ सुनिए आप, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा, वाह बहुत अच्छा बना। चलिए सॉरी इसी को खिलाते हैं। अरे अल्लाह, मैं तो आपकी वीडियो निकाली थी, आप ऐसे बैठो, ठीक है फ्रेश हो गए, ऐसे बैठा हूं। इसे देखिए मैंने भाई आज पत्रोला बनाया अम्मी के तरीके से, और फर्स्ट यस मुझे लगा बिरयानी होगी, तो होगी नहीं, नहीं बिरयानी नहीं है, ये बनाई आज मैंने, तो ये मम्मी के तरीके से बनाया है मैंने। खा के देखिए इसे, आलू वड़ी जो आप खाते हो ना, आप बोलते बहुत अच्छा लगता है। हम मैंने कल पत्ती लेके आई थी, पहले लेमन डालो इसमें, लेमन डाल लेंगे इसमें, यस तो बहुत ही टेस्टी बना है इसी, बहुत टेस्टी। लेमन क्यों निकल ले रहा है? हाँ पता नहीं क्यों सूखा सूखा लेमन मिला है मुझे। ये है पत्रोला, तो अभी इसको हम टेस्ट करेंगे और वही काम करेंगे जो हमेशा करते हैं, इसका रिव्यू देंगे। सही में यार एकदम अलग है ना, बहुत अच्छा चटपटा है एकदम से, चटपटा है, कड़क से जितने सीधे रहता है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा और बहुत ही यम है। और ऐसा पत्रोला आप भी बनाइए घर पे और खाइए, मज़ेदार पत्रोला है। तो मैं तो अभी खा रहा हूँ, एंजॉय करता हूँ, फिर तो आपसे मिलता हूँ बाद में। तो जल्दी जल्दी जाइए, और आप लोग भी बहुत सारे जो पत्रोले के जो पत्ते हैं, अरे अरवी के जो पत्ते हैं वो आ चुके हैं, वो जाइए बाजार में जाके खरीदिए और इसी तरीके से बनाइए, बहुत ही बेस्ट बन के रेडी हुआ था। और फर्स्ट टाइम मैंने बनाया है, लेकिन बहुत माशाल्लाह से यम्मी बना है, बहुत अच्छा बना है। तो आप लोग जाइए, और मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मुझे लगी है बहुत जोरों की भूख, क्योंकि मैंने एक खाया, जब से ना मुझे ऐसा लग रहा है कब फटाफट मैं बहुत सारा खा लूँ।
तो चलिए रखती हूँ मैं, और अपना ख्याल रखिए, और मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी अच्छी रेसिपी अच्छे अच्छे व्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।